वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी को ये बता दूं, अगर आप सभी को नहीं पता, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर इंडियन फुटबॉल जर्सी गिव अवे चल रही है और शर्त यही था कि अगर हमारे भारतीय फुटबॉल टीम क्वालिफाई करती है फॉर द नेक्स्ट राउंड, हम एक लकी विनर को ओरिजिनल जर्सी देने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया है तो काइंडली वहाँ पे जाइए और कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंडिया वर्सेस हांगकांग हमारे ग्रुप डी का आखिरी के साथ बहुत महत्वपूर्ण वाला मैच है, क्योंकि आज हमारे भारत टीम का जो है कड़ी इम्तिहान वाला घड़ी आप कह सकते हैं, क्योंकि हांगकांग अभी तक इस ग्रुप में सबसे ताकतवर वाले टीम लग रहे हैं। हांगकांग टीम की बात करें तो हांगकांग एक ऐसी टीम है जो ना केवल डिफेंस करना जानती है बल्कि गोल स्कोर के साथ बॉल होल्ड भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हांगकांग एक ऐसी टीम है जो ना केवल सेट पीसेस से गोल करते हैं बल्कि ओपन प्ले से भी बहुत बार उन्होंने गोल किया। अगर टू द पॉइंट बात करें तो हांगकांग के खिलाड़ी नोज हाउ टू प्ले एंड यूटिलाइज द स्पेस इन द मिडफील्ड। हांगकांग का गेम प्ले पे बात करें तो हांगकांग बिल्ड अप गेम खेलती अपना टाइम लेती है, ओपोनेंट को पूरा मजबूर कर देती है सो दैट एक गलती करे और वो ओपोनेंट पर हावी हो जाए। उनके जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी है वो है मैट ऑर। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं से भी गोल डालने की काबिलियत रखती है। उनके तरफ से हमें ज्यादातर लॉन्ग रेंजर्स देखने को मिला है। He is both technically and a very good clinical finisher. और तो और हमारे ग्रुप के करेंटली जॉइंट टॉप गोल स्कोरर हैं हमारे छेत्री सर के साथ। ऑल टोटल उन्होंने 3 गोल्स किए हैं। उनके अलावा भी एक और खिलाड़ी है मिंग हिंग संग, जो कि हांगकांग के लिए एक और क्लिनिकल स्ट्राइकर है। अभी इंडिया का पॉजिटिव देखें तो हम फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इन कंपैरिजन टू हांगकांग के टीम, और इसी का इस्तेमाल अगर अच्छे से कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। आई गेस प्लेयर्स लाइक आशिक कुरुनियन एंड साहल समर कैन शो देयर मैजिक इन द फील्ड। तो अभी अगर प्रोबेबल लाइनअप की बात करें तो हमें लगता है कि जैसे पिछले मैच में खेला गया था उसी को फॉलो करना चाहिए और तो साहल को इन स्टार्टिंग 11 में वापस लाना चाहिए। अभी थोड़ा हमारे टीम के भी ऊपर बात कर लेते हैं। पिछले मैच में हमने मनवीर सिंह का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। 2019 से हम उन्हें देखते आ रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के विरुद्ध उन्होंने जैसे खेला इट वॉज सिंपली टॉप क्लास। फिर हमारी डिफेंसिव जोड़ी लेफ्ट बैक और राइट बैक आकाश मिश्रा और रोशन सिंह। अगर आप हमारे चैनल को बहुत पहले से ही फॉलो करते हैं देन आप सभी को ये पता होगा कि हमने बहुत पहले से ही ये कहते हुए आ रहे हैं कि आप रोशन सिंह और आकाश मिश्रा को स्टार्टिंग 11 में लाइए और देखिए अब जब उन्हें टीम में लाया गया तो टीम क्या से क्या बन चुकी है। ये अगर अनवर अली की बात करें तो कुछ कहने लायक कुछ है ही नहीं। ही इज सिंपली अ ब्रिलियंट गाय। बॉल होल्ड कर सकते हैं, इतने अच्छे तरीके से बॉल होल्ड करते हैं ना, क्या बताऊं। और आशिक कुरुनियन, वाओ कमाल का रन्स। बस यही उम्मीद करता हूं कि कल का मैच एक और बढ़िया जीत मिले और अगर हमारी टीम जीतती है ना भाई लोग तो हमें ये समझ में आ जाएगी वी गॉट अ परफेक्ट 11। और तो और ऐसा लग रहा है कि हमारे हेड कोच इगोर साहब शायद कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि शायद हांगकांग के अगेंस्ट सुनील छेत्री को रेस्ट दिया जाएगा। अब ये माइंड गेम्स भी हो सकता है बट हमारी ओपिनियन तो यही है कि भाई इट्स नॉट द राइट टाइम टू रेस्ट छेत्री सर एंड वी नीड मोर गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम हिम। तो गाइस वीडियो को अंत करने से पहले हमेशा की तरह एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जिसका जवाब हमारे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट दीजिएगा। आप सभी का प्रिडिक्शन बताइए, मैं देखना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स का क्या राय है पिछले मैच में। लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है ना भाई वो सही हो गया, मैंने 2-1 इन फेवर ऑफ इंडिया कहा था और वही हुआ। कल का मुझे लगता है कि 3-2 इन फेवर ऑफ इंडिया, लेट्स सी। आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ।